आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 400 पार पहुंचा। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर की मौत से हड़कंप, इंदौर में अब तक कोरोना निकल गया 22 जिंदगियां। जनधन खाते से पैसा निकालने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन, 500 रुपए के कारण कोरोना की अनदेखी। कोरोना संकट के बीच मदद के लिए उठे हाथ, कहीं खाना तो कहीं सामान बांटा गया। और अब लगना शुरू हुए सैनिटाइजिंग मशीनें, रीवा नगर निगम में हर कोई होगा सैनिटाइज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इंदौर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए एक डॉक्टर ने भी आज दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इंदौर में अभी तक अधिकृत रूप से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। इंदौर के रूपराम नगर में रहने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। इंदौर में कोरोना वायरस की वजह से हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर में कोरोना के चलते अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उन्होंने अपना उपचार शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा था कि वे कोरोना की चपेट में नहीं हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी मैं डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी निवेदन करता हूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ, स्वच्छ, बिल्कुल फिट हूं। मैं घर में अपने परिवार साथ बैठा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरे खिलाफ़ जो भी वीडियो चलाया जा रहा है या उन्होंने जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है, सब मैंने गलत अफवाह है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। कृपया करके उनको अफवाह में ध्यान न दें और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं घर में अपने आराम से बच्चों के साथ बैठा हूँ। लेकिन इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। हालत बिगड़ने में पहले उनका उपचार उन्होंने खुद किया, फिर गोकुलदास में उनका उपचार चला, इसके बाद CHL में उनका उपचार चला और फिर उन्हें अरविंदो अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन गुरुवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। इसके बाद इंदौर में स्वास्थ्य अमले से और ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर डॉक्टर पंजवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। देखिए, कल जो 40 मरीज नए आए हैं उसको मिलाकर अभी तक इंदौर जिले में 213 पॉजिटिव मरीज का फिगर पहुंच गया है और कल 6 मृत्यु के बाद जो मृत्यु का आंकड़ा था वो 21 तक पहुंच गया है। अभी सुबह सुबह एक दुखद घटना ये प्राप्त हुई है कि हमारे एक चिकित्सक साथी का की भी मृत्यु अभी हो गई है, तो उन्हें अगर जोड़ लिया जाए तो 22 मौत हो गई है। सर, आज कहाँ स्क्रीनिंग और होनी है? हमारी जो सर्वे की टीम हमने बनाई थी वो 3 जगह तक अभी प्रारंभ कर चुके थे, जिनमें से नयापुरा, डाटपट्टी बाखल और खजराना शामिल था। आज चंदन नगर एरिया में भी शुरुआत कर दी जाएगी। 60 टीमें हमने आज के लिए उतारी हैं और ये लोग निरंतर स्क्रीनिंग और सर्वे का काम करेंगे और आज के बाद देखेंगे उनमें कितने लोग पाए जाते हैं। उनमें अगर किसी को लक्षण पाए जाएंगे तो उनकी वहीं पे स्थल पे ही उनकी सैंपलिंग कर ली जाएगी। कोरोना के योद्धा का इस तरह चला जाना मन को विचलित कर देता है। डॉक्टर्स हों, पुलिस हों, शासन प्रशासन हो, हर कोई कह रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो दूरियाँ बनाएं। हमारी संस्कृति हमेशा नज़दीकों की बात करती है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए, अपनों से नज़दीकियाँ रखने के लिए आवश्यक हो गया है कि हम थोड़ा सा फासला बनाकर चलें। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज और इससे प्रभावित लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 400 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं इससे अब तक 31 मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने और सख्ती करने का प्लान बनाया है, जो अब सभी जगह दिखना शुरू हो जाएगी। कोरोना कहर बना हुआ है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में हालात सुधर नहीं रहे हैं। भोपाल में अब तक 94 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और एक की मौत हुई है। इंदौर में 123 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और 22 की मौत हुई है। छिंदवाड़ा में 4 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और एक की मौत हुई है। बैतूल में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। विदिशा में 2 मरीज पॉजिटिव हैं
उज्जैन में 15 मरीज पॉजिटिव हैं और 5 की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर में 9 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। मुरैना में 13 मरीज, ग्वालियर चंबल संभाग में 6 मरीज पॉजिटिव हैं। इटारसी में अचानक 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। खरगोन में 12 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। खंडवा में 5 मरीज, देवास में 3 मरीज, धार में 1, रायसेन में 1 और सेनवा में 12 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य अमला अब इनकी हिस्ट्री पर काम कर रहा है। इंदौर में अभी तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने कहा कि जिले के नए क्षेत्रों में आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अधिकांश की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है। ये मरीज भी पुराने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे। खंडवा के मक्का मस्जिद में रुके जमात के 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मुंबई, दिल्ली और यूपी सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क के अनिवार्य उपयोग का जनहितैषी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए तत्काल यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए और सरकार को आम जन तक मास्क की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित करना चाहिए। जनधन खाते में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 500 रुपये निकालने के लिए भोपाल में कई जगह महिलाएं लॉकडाउन तोड़ती हुई नजर आईं। भोपाल के बरखेड़े स्थित SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती रहीं, लेकिन किसी जवाबदार का ध्यान इस ओर नहीं था। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बड़ी बेमानी लगती है। दरअसल भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाता धारकों के खाते में 500-500 रुपये की 3 किस्तों में भुगतान किया जाना है, जिसमें पहली किस्त डाल दी गई है, जिसे लेने के लिए सभी बैंकों में महिलाओं की लाइनें लग गईं। यहाँ ना डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, न सैनिटाइजेशन जैसी कोई व्यवस्था है। महिलाएं भी किसी की सुन नहीं रही हैं, जिसके कारण बैंक कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह महिलाओं ने बैंक के सामने झुंड बना रखा है। बैंक के कियोस्क संचालक भी इस भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं और इस इलाके में पुलिस प्रशासन भी नदारद नजर आ रहा है। SBI ग्राहक सेवा केंद्र में भीड़ लगने से आसपास के रहवासी भी डर के माहौल में जी रहे हैं और रोज सुबह बैंक के सामने लगने वाली भीड़ से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री आ रहा है, जो 500 रुपए डाले गए हैं ग्राहकों के खाते में, वो सब वितरण का काम किया जा रहा है। हम लोगों को वैसे बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि शासन हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है और यहाँ पे पब्लिक जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, हम लोगों से बदतमीजी करती है। हम लोग चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा बदतमीजी करती है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखती है। सर, हमारे घर के सामने एक कियोस्क का बैंक है जी, तो वहाँ से जो महिलाएं पैसे लेने आती हैं, जो मोदी जी ने पैसे डाले उनके खाते में जी, डिस्टेंस बना के भी नहीं खड़ी होती हैं। हमारे घर के सामने पटिया है, वहाँ भी बैठ जाती हैं जी। उससे हम लोग को भी खतरा है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे को छूने से लग रही है जी। आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि इन लोग को कंट्रोल में रखें और जो पैसा आया है उसका कुछ और दूसरा अल्टरनेट मिले उसका। कोरोना के खौफ के बीच रीवा नगर निगम में फुल सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जिससे नगर निगम में आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा। इससे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी लोगों की लापरवाही की वजह से हर रोज़ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इससे निजात पाने को लेकर रीवा नगर निगम आयुक्त अर्पित वर्मा ने एक पहल की, जिसमें नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर फुल बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा और विशेष तौर पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। नगर निगम आयुक्त अर्पित वर्मा ने बताया कि रीवा में अभी और 4 जगह ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी। इस एक मशीन की लागत 30,000 से 40,000 रुपये है। इस मशीन में विशेष रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी से सैनिटाइज किया जा सके। जैसा कि आप लोग याद होगा कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस नाम की महामारी से जूझ रहा है, तो रीवा संभाग में अभी तक एक भी केस नहीं आया है और हमारी यह पूरी कोशिश है कि रीवा में एक भी केस ना आने पाए। इसी तारतम्य में हम लोगों ने एक फुल बॉडी सैनिटाइजेशन टनल जो है बनवाया है लोकल स्तर से। इस टनल में हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें 20 सेकंड के लिए ऑटोमेटिक मोड से चलता है, जो भी इसमें से एक बार निकलेगा उसका फुल बॉडी सैनिटाइजेशन हो जाता है। तो उसके कपड़ों में उसके जो भी वायरस अगर या जैसा भी कीटाणु होगा तो वो अपने आप हट जाता है। तो जो भी हमारे कर्मचारी जो लोग लगे हुए हैं, जैसे नगर निगम में जितने भी कर्मचारी हैं, कलेक्ट्रेट में जितने भी कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम 5 से 6 मशीनें टोटल बनवा के रीवा में जगह जगह लगवा दें, ताकि जो भी लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं वो सैनिटाइज होकर एंट्री करें, ताकि उनकी खुद की भी सुरक्षा हो सके और उनके आसपास वालों की भी सुरक्षा हो सके।
सिंगरौली में बीजेपी नेताओं की एक टीम जरूरतमंदों के पास भोजन और अन्य सामग्री पहुंचा रही है। लॉकडाउन के चलते तमाम लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बीजेपी का यह प्रयास सराहनीय है। इस तरह के प्रयासों की इस समय पूरे देश में आवश्यकता है। कोरोना लॉकडाउन के चलते सिंगरौली भाजपा की पूरी टीम जिले में सेवा करने के अथक प्रयास में जुट गई है। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी गरीब बेसहारा वंचितों को भोजन सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, कपड़ा, साबुन बांट रही है। जयंत, जगरूदा, नेहरू बस्ती, सरसवा आदि कई जगहों की बस्तियों में लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेन गोयल ने लोगों को समझाई देते हुए कहा कि सामाजिक दूरी हर हाल में बनाकर रखें, क्योंकि यही एकमात्र बचाव कोरोना वायरस से करता है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो। देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है। मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात छतरपुर रेंज के DIG विवेक राज सिंह की। DIG साहब, लॉकडाउन का जायजा लेने चुपचाप अचानक साइकिल से निकल पड़े। वे छतरपुर से 23 किलोमीटर दूर नौगांव तक गए और लॉकडाउन की हकीकत को देखा और पुलिस महकमे को उचित दिशा निर्देश भी दिए। DIG विवेक राज ने लॉकडाउन का जायजा लेने का अनोखा तरीका निकाला और छतरपुर से वो साइकिल से नौगांव की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते उनकी नज़र दोनों ओर लॉकडाउन का असर है या नहीं इस पर रही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में भी लॉकडाउन का पालन ग्रामीण लोग बहुत ही सलीके से कर रहे हैं। हालांकि मऊसहानिया में दोविला के पास करीब 6 लोग घूमते नजर आए जो पुलिस को देखकर भाग गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस ऐसी महामारी है जो संपर्क में आने से होती है। उन्होंने कहा कि आज वक्त वह नहीं है कि शाम को 4 दोस्त एक साथ बैठ सकें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। उन्होंने नौगांव थाने में करीब 20 मिनट तक अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं थाना प्रभारी BN शर्मा सहित पुलिस बल का लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर प्रशंसा भी की। बेसिकली हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, जो उसमें अवेयरनेस देखने के लिए कि जनता में कितनी अवेयरनेस है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए, और हमारी जो पुलिस ड्यूटी लगी हुई है उनकी जागरूकता, उनकी गंभीरता को देखने के लिए सभी ऑफिसर, सभी चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, चाहे पुलिस बल हो, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटियां कर रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि हम लोगों से गलतियां नहीं होती, कहीं कहीं गलतियां होती होंगी, बट जो एनर्जी लोग दे रहे हैं, जितना अपना एनर्जी देना चाहिए उससे ज़्यादा लोग दे रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली कोशिश किया जा रहा है कि व्यवस्था बनी रहे। कोरोना संक्रमण के बावजूद रीवा के जवा में इंडियन गैस वितरक मनमानी पर उतार हुए।
जहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही किसी किस्म के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में सब कुछ जानने के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। संपूर्ण रीवा जिले में दूध और दवाइयों की दुकानों के अलावा सभी दुकानों को और प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं। इसके बावजूद जवा में इंडियन गैस एजेंसी सुबह 7 बजे से ही खोलकर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जहां लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखी गई। बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से चिपक कर लाइनों में खड़े रहे। इस दौरान ना तो खरीदारों के मुंह पर मास्क थे और ना ही एजेंसी डीलर के पास ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज कराने के लिए कोई सुविधा। गैस डीलर तो कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा। मुझे जैसी जानकारी मिली है, कलेक्टर साहब का मैसेज आया टीम रेवेन्यू जवाब में, तत्काल में मौके पर गया। मौके पर देखा तो वहाँ गैस एजेंसी का ताला लगा हुआ था, वहाँ कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। मैंने तत्काल वहाँ वीडियो बनवाया और वीडियो बनवा के ताला, गैस एजेंसी भी ताला लगा हुआ था, उसका वीडियो बनवा के कलेक्टर महोदय के यहाँ भिजवा दिया है। यदि भविष्य में वो मुझे मिलते हैं गैस एजेंसी खोले हुए या कोई क्लाइंट वहाँ गैस लेते हुए लॉकडाउन का पालन न करते हुए पाए जाएंगे तो तत्काल उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई करूँगा। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हालातों को देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम ने सभी जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान के लिए अवधि बढ़ा दी है। अवधि को बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है, जिसको देखते हुए LIC ने सभी जीवन बीमा पॉलिसियों में प्रीमियम भुगतान हेतु अतिरिक्त ग्रेस देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। LIC ने यह निर्णय लिया है कि जो पॉलिसियाँ 21 मार्च तक अवधि में थीं, उनके प्रीमियम भुगतान के लिए अब यह अवधि 15 अप्रैल तक रहेगी। इसके अतिरिक्त मार्च और अप्रैल के दौरान देय प्रीमियम वाली सभी पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान हेतु सामान्य ग्रेस अवधि के साथ 30 दिन का अतिरिक्त ग्रेस अवधि उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान LIC की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। सिंगरौली में कोरोना के खिलाफ पुलिस मोर्चे पर डटी हुई है। लॉकडाउन का पालन करवाने के साथ पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। ऐसे में लोगों ने पुष्प वर्षा कर पुलिस का हौसला बढ़ा के अभिनंदन किया। कोरोना संकट काल में पुलिस अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। लोगों में जागरूकता के साथ लॉकडाउन के पालन की महती जवाबदारी पुलिस के कंधों पर है। ऐसे में जब थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ निकले तो स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन का पालन करना है, कोरोना वायरस को भगाना है के नारे लगाए। कोरोना योद्धा बनी पुलिस पर पुष्प वर्षा भी की गई। बरगवां नगर में निकले पुलिस काफिले को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, लॉकडाउन का पालन करते रहे, लॉकडाउन का पालन करना है, इस तरह की नारेबाजी भी की और पुलिस अफसर एवं जवानों के ऊपर पुष्प वर्षा की। लोगों ने पुलिस कर्मियों को फल, पानी और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हुए सजग एवं जागरूक नागरिक होने का परिचय भी दिया। ऐसा है, जब से माननीय TI मनीष त्रिपाठी जी हमारे बरगवां में पदस्थ हुए हैं, कानून व्यवस्था तो दुरुस्त थी ही, लेकिन बीच में महामारी वाली समस्या जो है आ गई उसके लॉकडाउन के दौरान इनका जो योगदान रहा, हमारे व्यापारियों से सहयोग, आम जनता से सहयोग, सबकी सुरक्षा को देखते हुए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ है, इसी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम लोग पूरे मार्केट के व्यापारी बंधु सब मिल के इनका फूलों के द्वारा स्वागत किए हैं। कोविड-19 का ये प्रकोप जब से हमारे भारत देश में आया और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जब पूरे भारत देश में संपूर्ण मध्य प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, तो निश्चित रूप से हमारे बरगवां की पुलिस ने भरपूर सहयोग किया, व्यापारियों का सहयोग किया, आमजन का सहयोग किया और व्यापारी वर्ग भी उनके बराबर सहयोग में था और आज भी है। और पुलिस के कार्य से प्रभावित होकर के हम लोगों ने अपनी बरगवां की पुलिस का, अपने TI मनीष त्रिपाठी जी का और उनके पूरे स्टाफ का हम लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में महुआ बीनने गई युवती पर बाघ ने हमला कर दिया। युवती को मारकर बाघ जंगल के भीतर ले गया। ऐसे में लोगों का शोर सुनकर बाघ युवती का शव छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी में आग लगा दी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के खवासा बफर के खंबा गांव में खेत से लगे जंगल में महुआ बीनने गई युवती 18 साल की नीलकली को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। युवती का शिकार करने के बाद बाघ शव को करीब 300 मीटर दूर जंगल तक घसीट कर ले गया। युवती की चीख पुकार सुनकर मृतका की माँ, परिजन और ग्रामीणों ने शोर मचाया और जंगल की तरफ दौड़े। इस कारण बाघ युवती के शव को छोड़कर जंगल में वापस लौट गया। वन अमले की कार्यप्रणाली व घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करके 3 घंटे तक हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने खवासा रेंजर के सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल व राजस्व अधिकारियों ने समझाइश देकर ग्रामीणों को शांत कराया। खेत के नीचे स्थित नाले में मौजूद बाघ ने संभवतः आहट पाकर युवती पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया
और शव को घसीटकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। लेकिन शव को बाघ अपना निवाला नहीं बना सका। इससे पहले ग्रामीणों के शोरगुल ने बाघ को जंगल में लौटने पर मजबूर कर दिया। पेंच नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक विक्रम सिंह परिवार ने बताया कि मृतका के स्वजनों को 5,000 रुपये की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही परिवार को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि और उपलब्ध कराई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। देख रहे हैं दखल न्यूज़।